The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, वेट फार्ट्स। हाँ जी, जी हाँ जी, वेट फार्ट, सही सुना आपने। जो आपको अगर कभी ये क्या है समझ में आ जाएगा, और इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इस पर डिमांड आई थी, बहुत सारे लोगों की कमेंट आई थी, तो वेट फार्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं, व्हाट आर फार्ट्स, है क्या फार्ट, होते क्या है। मैं हूं डॉक्टर परंजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ये सारे वीडियो जो है वेरीफाइड सोर्सेस से ही लिए जाते हैं, ऐसे अपने मन से नहीं बनाए जाते। तो फार्ट्स क्या है? फार्ट यानी आपके पेट में एक्सेसिव एयर चली गई है, आपने या तो बहुत सारी एयर निकल ली है, जैसे आप कई बार लोग स्मोकिंग से, च्यूइंग गम से करते हैं, या फिर आप एयर ले लिए है और वो एयर जो है नीचे से जब निकलती है तो वो इसको फार्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। हमें पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आपको पता है आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, हिंदी, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ इसको क्या क्या बोलते हैं, तो दैट वुड बी फन। एंड इसी को और भी कई सारे कारण होते हैं, कई सारे लोग जो है कुछ खाना खा लें, कोई बीन खा ले, कोई ब्रोकली खा ले, है ना, तो वो एक्स्ट्रा गैस बनाती है, मुझे गैस बनाती है, गैस बन के निकल जाती है, सो दैट्स अ फार्ट। तो अब ये फार्ट है, तो ये वेट फार्ट क्या है? कभी कभी ऐसा होता है, एक कभी कभी इस दुनिया में ऐसा भी दिन आता है जब देर इज नॉट जस्ट एयर जो निकलता है, वो केवल हवा नहीं होती, उसमें कुछ हवा के साथ पुचुक भी होता है। पुचुक थोड़ा सा बबलिंग साउंड आता है, ऐसा कुछ ऐसा था उड़ाता कि आपको पता चलता है कुछ तो निकला, सो दैट माइट बी अ लिक्विड स्टूल, अकॉम्पनीड बाय लिक्विड स्टूल। जी हाँ, आपके जो स्टूल है, जो पॉटी है, वो थोड़ी सी पतली सी निकल सकती है, हंसने की बात नहीं, निकलती है, नॉर्मल है, लोगों की निकल जाती भैया, कभी निकलेगी तो पता चलेगा, बताओगे नहीं किसी को, मुझे पता है बट निकल सकती है, तो ऐसा है। सो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों में बार बार होने की, उसको समझते हैं, तो इसलिए इसको शेयर करो, लाइक करो, आपको नहीं भी है प्रॉब्लम तो कर दिया करो, है ना, दूसरों की भलाई के लिए सोचा करो। क्यों होता है? सबसे पहले किसी को अगर इन्फेक्शन हो रखा है, कोई भी पेट का इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, डजंट मैटर, अगर आपको पतली स्टूल आ रही है, वाटरी डायरिया आ रहा है, ठीक है, तो वो वाटरी डायरिया के बाद में, ये वाटरी डायरिया के दौरान तो होता ही है ना, होता है ना, पुरपुर, वो वाला, ये बाद में वैसे भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है। और फूड्स कुछ प्रकार के हो सकता है, आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या किसी चीज़ से आप सेंसिटिव हैं, एलर्जिक हैं, वही खा ली, लैक्टोज ले लिया, दूध पी लिया, दूध वाला कोई प्रोडक्ट ले लिया, आपको हो गए लूज मोशन। और इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन भी ऐसा होता है, कई बार अभी आप अभी मोशन करके आए हो और फिर एकदम से अर्जेंट हो गया, कुछ जाना पड़ गया, फिर एकदम से थोड़ा बहुत अगर इमिजिएटली मोशन के बाद आया है तो उसको कह सकते हैं इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन के बाद, यानी आप बिना प्रॉपरली खत्म किए निकल गए, तो वैसा नहीं करिए। और कुछ एक्चुअल बीमारियां हो, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें क्या आती है, उसमें आती है क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइसिस, है ना, जिसमें एक्चुअली इंटेस्टाइन्स में आपके छाले हो जाते हैं, बीमारी होती है, और फिर तो ये बहुत रेगुलर, उनको तो आते ही आते हैं, है ना, रेगुलर आते हैं, फिर उसमें ब्लड भी आ सकता है लैटरिन में आपके, इसके ऊपर डिटेल वीडियो है, लेस आ सकती है, है ना, पेट में दर्द रह सकता है कुछ, क्या हर एक दवा या हर एक न्यू चीज जो आप खाते हो उससे ये वेट फार्ट या इन्फ्लामेशन हो सकता है आपके बॉडी, आपके इंटेस्टाइन, जीआई ट्रैक्ट के अंदर, तो एवरी सिंगल मेडिसिन कैन हैव दिस काइंड ऑफ अ साइड इफेक्ट। स्वॉलोड एयर तो बताया ही भाई, हवा ले ली ज्यादा, है ना, कई लोगों को स्ट्रेस से भी होता है, स्ट्रेस हो गई, एकदम गैस बनने लग गई और स्ट्रेस की वजह से ज्यादा हो गया, और कुछ लोगों के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होता है, इतना ओवर ग्रोथ की फर्मेंटेशन ही ज्यादा, फर्मेंटेशन गैस ही ज्यादा बन रही है, तो दोज आर द कॉजेज ऑफ वेट फार्ट। बच्चों में होते हैं, छोटे बच्चों में क्यों होते हैं, बिकॉज उनका दूध ही दूध पीते हैं, दूध ही दूध, तो सॉलिड कहाँ से बनेगा, तो सॉलिड ही नहीं है, तो फिर उनका मोशन जो है ऐसे ही करो, है ना, ये खोलेंगे, होता है ना, सो दिस इज नॉर्मल, सो इट्स नॉट एनीथिंग एबनॉर्मल, इसमें चिंता की बात नहीं है। और जी हाँ, ये बुजुर्गों में भी होता है, इट कैन बी देयर बट इट्स लेस कॉमन, पॉसिबली इसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो अगर आपको या किसी को भी बहुत रेगुलरली हो रहे हैं तो क्या करो, पहला प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, एक तो अपना फाइबर इंटेक बढ़ाओ, ठीक है, फाइबर कैसे बढ़ाओगे, फ्रूट्स खा लो, खाओ जूस नहीं, फ्रूट्स, सैलेड्स या फिर इसबगोल, भूसी, ब्रान ले सकते हो,
कोई ऐसा खाना है जिसको पता ही है कि इरिटेट करता है वो नहीं खाओ। अपने डॉक्टर से बात करो डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प करते हैं। अच्छे से चबा चबा के खाओ खाना, एक बार में कम खाओ, पेट को आराम दो, ठीक है। और जब भी मोशन आती है मेक श्योर कि वो कंप्लीट करके ही वापस आना है। और फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो अपने डॉक्टर से बात करो, रिकरेंट इंफेक्शन हो रहा है तो। बस इतना करना है, टेंशन की कोई बात नहीं। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप अपना कोई टॉपिक चाहते हैं जो हम इसके आगे बनाएं ऐसा प्रेजेंटेशन, तो टॉपिक नीचे लिखिए। अगर 10 से ज्यादा लोग, थोड़े बहुत लोग, अच्छे लोग कमेंट करेंगे कोई एक टॉपिक, तो जरूर उस पे बनाया जाएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक द वीडियो। दिस इज डॉक्टर परमजीत साइनिंग ऑफ। गुड नाइट।